जी हाँ, जैसे कि हम अपने चैनल पे ज्यादातर वीडियो वो लेकर आते हैं जो स्टूडेंट से रिलेटेड होती है। आज का मेरा एक ये महत्वपूर्ण वीडियो स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स के लिए है, अभिभावक के लिए है। वो ऐसे अभिभावक, वो ऐसे पेरेंट्स जिनको जो है परमात्मा ने कुछ एक ऐसा चैलेंज दिया है उनकी लाइफ में उनके बच्चे को लेकर, उनका वो बच्चा जिसका जो ब्रेन डेवलपमेंट है, विकास है, वो उस तरीके से नहीं हो पाया है जो कि एक सामान्य बच्चों पे होता है। यानी कि जिस हिसाब से बच्चे की उम्र बढ़ रही है उस हिसाब से उसका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं कर पाता है, या फिर उसमें कुछ ना कुछ और ऐसी कोई डिजीज होती है, जहां पर हम ऐसे स्टूडेंट्स को स्पेशल चाइल्ड या फिर आपको डिजेबल्ड चाइल्ड बोल सकते हैं। यहाँ पर एक समस्या इन पेरेंट्स को लेकर सबसे बड़ी यह है कि हमारा बच्चा भी और बच्चों की तरह शिक्षित हो सके, इसके नाम पे भी सर्टिफिकेट्स हो, इसके नाम पे भी डिग्री हो। लेकिन ऐसे बच्चे के सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं उनको पढ़ाने को लेकर और उनका पूरी प्रक्रिया जो एग्जामिनेशन होता है उसको लेकर। इन सब को देखते हुए यहाँ पर एक बोर्ड है NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इस बोर्ड ने ऐसे सभी बच्चों को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिया है, जहां पर आप जो है किसी राइटर यानी कि किसी सहायक की मदद लेकर आप जो है अपने बच्चे को यहाँ से सर्टिफिकेट्स दिला सकते हैं और उसको भी शिक्षित लाइन पे लेकर आ सकते हैं। हमने जो आज का ये वीडियो बनाया है उसमें हमने यहाँ पे मेंशन करा है कि डिसेबल चाइल्ड किधर और कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़ाई करे, कैसे होगा, और वो सब बातें बताएंगे आपको। और हम चाहते हैं कि हर बच्चे का सपना जो है पूरा हो, वो भी जो है एक कॉमन बच्चों की तरह शिक्षित कहलाए। तो मेरा आज का मुहिम रहेगा उन सभी पेरेंट्स जिन्होंने ये चैलेंज उठा रखा है और चैलेंज उनको जो है ईश्वर ने दिया है और इस चैलेंज को पूर्ण रूप से वो पूरा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से किसी भी पेरेंट्स या अभिभावक को ये बोलने की जरूरत नहीं होगी कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा या मुझे शेयर करिए या लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए पेरेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक बोर्ड है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा और बहुत सारे लोगों ने नहीं भी सुना होगा, तो आपको बता दूं सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, यानी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, और ये ऑटोनोमियस इंस्टीट्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी मानव संसाधन मंत्रालय जो है उसके अंडर पर ये जो बोर्ड बनाया गया है। और ये बोर्ड एक अपॉर्चुनिटी पैदा करता है यहाँ पर उन बच्चों के लिए एक प्रोविजन। तो देखिए, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसमें NIOS बोर्ड में रजिस्टर्ड कराया किसी भी क्लास के लिए और जब वो एग्जाम देने जाता है तो वो एग्जाम देने में उसको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है उन डिजीज की वजह से, ठीक है, जहां पर कि किसी को ढंग से दिखाई नहीं देता है, कोई ढंग से रीड नहीं कर पाता है, या जो है उसको लिखने में प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर हेल्प करा जा रहा है। यहाँ पर एक जो है आपको राइटर की फैसिलिटी दी जाती है, एक आपको राइटर प्रोवाइड करा जाता है, यानी कि आपके चाइल्ड के बदले में ये राइटर जो है वहां पर लिखेगा, जो भी चाइल्ड उसको बताएगा उसके अकॉर्डिंग वो वहां पर एग्जाम देगा। अब ये राइटर कौन हो सकता है, कैसे मिलेगा और किस तरीके से अप्रूवल मिलता है, वो सारी बातें मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ वन बाय वन करके। जी हाँ स्टूडेंट, सबसे पहले आपको देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि किस किस को ये हेल्पर की जरूरत होती है और किन किन लोगों को ये हेल्पर प्रोवाइड करता है NIOS बॉडी, जो कि इन फॉलोइंग कैटेगरीज में आता है। सबसे पहले जैसे अगर कोई लर्नर विद ऑटिज्म, यानी कि एक डिजीज है पेरेंट्स को पता होगा, या फिर यहाँ पर दिया है कैरिब्रल पैल्सी, या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग द मेंटल रिटार्डेशन, फिर मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ब्लाइंडनेस, लो विजन, स्पीच और हियरिंग इम्पार्टमेंट, और इसके अलावा एनी अदर डिसेबिलिटीज सच एज लर्नर विद द स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। यानी कि ये वो डिजीज है जो कुछ लोगों को तो पहली बार सुनाई दे रहा है, लेकिन जिन पेरेंट्स जो लोग इनमें डील कर रहे हैं वो जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। और साथ साथ में अगर लर्नर्स विद पुअर हैंड फंक्शंस, उसके हाथ ढंग से चल नहीं पाते हैं, है ना, स्पीच बोल नहीं पाता है, हियरिंग इम्पार्टमेंट है, उन लोगों को भी यहाँ पर जो है इस राइटर का फैसिलिटी मिलता है। यानी कि साथ में आपका स्टूडेंट, आपके जो चाइल्ड है उसके साथ में कोई ना कोई एक हेल्पर या राइटर जाएगा और उस एग्जाम को कंडक्ट करेगा। कैसे होता है, आगे बढ़ते हैं। जी हाँ पेरेंट्स, देखिए सबसे पहले तो एक एप्लीकेशन आपको लिखना होता है NIOS बोर्ड के रीजनल मैनेजर को, यानी कि आपका जो भी रीजनल सेंटर होगा, एटलीस्ट 2 वीक पहले जब भी आपका एग्जाम होने वाला है। तो वो एक ये फॉर्मेट यहाँ पे दिखाया हुआ है, जिस तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है कि एप्लीकेशन बाय पेरेंट्स
ठीक है, वहां पर नाम आ जाएगा, रिलेशनशिप विद द एग्जामिनी और आपका प्रॉपर एड्रेस आ जाएगा, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, डेट आ जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर मेंशन करोगे टू रीजनल डायरेक्टर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, रीजनल सेंटर, रीजनल सेंटर आपका किस सिटी में, उस सिटी का नाम आ जाएगा। एप्लीकेशन में सब्जेक्ट यहाँ पे डाला हुआ है, एप्लीकेशन फॉर नीड स्पेसिफिक प्रोविजन टू बी मेड अवेलेबल ड्यूरिंग द एनओएस एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, एक बॉडी जो लेटर की बॉडी है वो लिखी हुई यहाँ पे, इट इज सबमिटेड दैट माय सन और डॉटर और वार्ड हु इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी स्पेशल नीड विल बी अपेयरिंग इन द एनओएस एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड फ्रॉम किस डेट से किस डेट तक है, कौन से ब्लॉक में है या ऑन डिमांड एग्जाम्स है, एंड डिटेल ऑफ द एग्जामिनी, एग्जामिनी का आपको डिटेल देना है, उसका नाम यानी कि कैंडिडेट का, एनरोलमेंट नंबर, कौन सा कर रहा है, सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी है, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको करना है, एंड सर्टिफिकेट इश्यूड, नेम ऑफ द हॉस्पिटल, किस हॉस्पिटल ने वो आपको डिजीज का सर्टिफिकेट इश्यू करा है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। फिर उसके बाद उस मेडिकल सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा और वो डेट। ये भरने के बाद आपको एक कॉपी ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट विद रिकमेंडेशन वो आपको वहां पे अटैच करना होगा, साथ ही साथ में सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक प्रोविजन रिक्वायर्ड, किस सब्जेक्ट में आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको भरना होगा, जैसे सब्जेक्ट नंबर वन है, मान लीजिए इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो आपने कोड डाला है यहाँ पे 302 और यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोविजन रिक्वायर्ड, इंडिकेट द क्लॉज ऑफ प्रोविजन मेंशन इन फ्रॉम द सेंटर सुपरिटेंडेंट और सेल्फ अरेंज, यानी कि आप चाहते हैं कि सेंटर वाले राइटर को प्रोवाइड करें या सेल्फ अरेंज करें, तो मोस्टली तो आपको खुद ही करना होता है, तो यहाँ पे सेल्फ अरेंज में आपका टिक हो जाएगा। और फिर डिटेल्स ऑफ द सेल्फ अरेंज अटेस्टिव डिवाइसेस, डिटेल्स ऑफ द राइटर केयर गिवन इन द फॉर्मेट, उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी होगी, उसका नाम लिखना होगा और उसका पूरा एक डिटेल वाला एक सर्टिफिकेट है वो भी मेंशन करना होगा, है ना। और ये सारी चीजें एनक्लोजर है, ये सब कॉपियां वहां पर लगाई जाएंगी, जिसमें आपका मेडिकल सर्टिफिकेट आ गया और आई कार्ड आ गया आपका एग्जामिनी का, बोनाफाइड सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ ऑफ एमिनिटीज, फिर आपका कॉपी ऑफ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द राइटर, जो राइटर है उसका, एंड कॉपी ऑफ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ एनी अदर पर्सन हु विल अकॉम्पनी द एग्जामिनी, या कोई और आदमी जो उसको हेल्प कर रहा है। तो ये जो लेटर है ये हम आपको पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, इसका कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, और क्या क्या मेंशन करना है, कैसे भरना है, वो सब हम आपकी हेल्प कर देंगे। अब आपको सबसे पहला काम, एक एक करके आपको जो सर्टिफिकेट बनाने हैं, जो सबसे पहला आपको जो सर्टिफिकेट बनाना है वो सर्टिफिकेट आपका इशू करेगा स्टडी सेंटर, जो भी आपका स्टडी सेंटर होगा वहां से ये फॉर्मेट लेकर ये आपको बनाना पड़ेगा। इसमें आपको जो है उसका जो भी आप राइटर यूज कर रहे हैं उसकी फोटो यहाँ पर लगेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द स्टडी सेंटर फॉर नियर रिलेटिव केयर गिवर कंसर्न टीचर, या जो भी आप आदमी उसमें अपॉइंट कर रहे हैं उसका नाम आएगा, एंड रिलेशनशिप विद द एग्जामिनी, एग्जामिनी के साथ उसका क्या रिलेशन है, फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है या कोई चीज, वो भी आपको मेंशन करना होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है द अबव पर्सन विल एक्ट एज अ सपोर्ट विच इंक्लूड द मोटिवेटिंग एंड हेल्पिंग द एग्जामिनी फाइंड हिज और एग्जामिनेशन रूम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। उसका एनरोलमेंट नंबर मेंशन करेगा, स्टडी सेंटर नंबर, फिर स्टडी सेंटर का जो है नाम है और एग्जामिनी का नाम, फिर सब्जेक्ट और डेट ऑफ एग्जामिनेशन, कौन कौन से सब्जेक्ट में और किस किस डेट में आप ये हेल्प चाहते हैं, और ये सारा यहाँ पर। अब यहाँ पे सिग्नेचर एंड हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का पूरा सील लगेगा, यानी कि उनका स्टैंप लगेगा, वो कौन लगा के देगा आपको, स्टडी सेंटर, जो भी स्टडी सेंटर आपने चूज करा होगा वहां पर ये सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा फिल करके, और यहाँ पर आपको प्रिंसिपल अपने जो है नाम लिखकर, डेजिग्नेशन लिखकर यहाँ पे जो है सील करके साइन करके आपको दे देगा। तो आपके पास ये एक सर्टिफिकेट जो है आ जाएगा, जो सर्टिफिकेट किसका है, राइटर का, यानी कि राइटर के प्रूफ का, जो राइटर वहां पर जा रहा है उसका प्रूफ दिखाने के लिए ये वाला सर्टिफिकेट। तो आप एक एक करके याद रखिएगा, सबसे पहला तो एक आपने एप्लीकेशन दिया, किसको, जो आपको रीजनल सेंटर में देना है, और दूसरा आपने स्टडी सेंटर से ये सर्टिफिकेट इश्यू करवाना है। के बाद एक सर्टिफिकेट आपको बनवाना है जो कि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, और ये इश्यू कौन करेगा, डॉक्टर करेगा उस हॉस्पिटल का जहां से भी आपने मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट में डेट आएगा, ओपीडी नंबर आ जाएगा, नेम ऑफ द चाइल्ड आपका आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, एज, सेक्स, उसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एलडी नंबर आ जाएगा, फादर नेम, मदर नेम, स्कूल नेम, क्लास स्टडिंग इन, साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या है और डेट किस डेट से हुआ है,
फिर आईएससी वर्बल आईक्यू क्या है, परफॉर्मेंस आईक्यू क्या है, ग्लोबल आईक्यू क्या है, ये सब वही देते हैं, बल्कि इंटरप्रिटेशन क्या है, केबीआई परफॉर्मेंस आईक्यू क्या है, एजुकेशनल असेसमेंट क्या है और किस डेट पे है, और इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जिससे जो है बच्चा, इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि बच्चा उससे जो है ट्रीट कर रहा है। फिर यहाँ पे जो आपका वो आएगा डायग्नोस्टिक, उसके जो है यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएंगे या उसका नाम आ जाएगा, और ये आपका रिकमेंडेशन है कि रेमिडियल एजुकेशन के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ एड के लिए, प्रोविजन एबीसी यानी कि जो भी हम दे रहे हैं कि किसी एजुकेशन में एग्जाम के लिए हमें ये चाहिए, तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपको इशू करके देगा आपका डॉक्टर जिससे भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है या जिस भी हॉस्पिटल से आप लोग यहाँ से डील कर रहे हैं। तो पेरेंट्स यहाँ पे परेशान होने का बिल्कुल भी बात नहीं है, अगर आपको अपने बच्चे को जो है किसी भी क्लास में आपको पास करवाना हो और कैसे राइटर का हेल्प लेंगे उस सब के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी उसके लिए आप हमारे इन दोनों नंबर से जो है संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर से आइए जुड़िए और हम आपको जो है पूरा ये प्रोसीजर समझाएंगे किस तरीके से एडमिशन लेते हैं और कैसे बच्चे की यहाँ पर हेल्प हो सकती है। और इसके अलावा कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आइएगा, जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर जो है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसी तरीके की वीडियो में लेकर आता रहूंगा। तब तक बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।